कि महाराज क्या बात है, बड़ा उदास हो है। तुम्हारी उदासी का मतलब क्या है? मैं जब भी तुम्हारे पास आया हो, जब भी तुम्हारे सामने आया हो, मैंने तुमको हमेशा खुश देखा है, मुस्कुराता हुआ देखा है, लेकिन आज उदास क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हें चिंता है? बाबा नारद कहने लगे, अगर कोई शरीर में रोग हो गया है तो किसी वैद्य को दिखा दो है? अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो युद्ध करके हरा दो, धावा बोल दो। और क्या बाबा? घर में महाराज कंस ने जवाब दिया, बाबा नारद ऐसी कोई बात नहीं, बात केवल एक है कि मुझे चिंता का कारण आप हमसे पूछते हो। चिंता हमें इस बात की है कि हमारे काल ने गोकुल में अवतार ले लिया। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि हमारा काल कैसा है, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, किसी ने नहीं बताया है। जवाब दिया, कहाँ है तुम्हारा काल? बाबा नारद बोले, जवाब दिया कि नंद के आंगन में जन्म हुआ है। ऐसे में जवाब दिया ही कि बाबा नंद के आंगन में जन्म हुआ है, वही हमारा काल है। बाबा नारद समझाने लगे, कहने लगे हैं, महाराज कंस बड़ी शर्म की बात है, तुम्हारे काल ने अवतार ले लिया है तो तुम चिंता में हो, इसमें चिंता करने की क्या बात है? हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। बाबा नारद के मुख से जेल सुना कि हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं तो महाराज कंस बड़े प्रसन्न हो गए। और एक सही मुद्रा खोल चल, क्या हो लहबड़ कुंडवा से, और ये राम सुरेश की तरफ, राम सुरेश पाल की तरफ से 21 मुद्रा, और ये 51 मुद्रा राकेश विश्वकर्मा मीडिया से। प्रभु के चरण में पढ़े, प्रभु से कामना है कि परिवार को मंगल में रखें, मां सरस्वती सब बुद्धि को प्रदान करते रहे। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले कि हे राजन, जब बाबा नारद ने महाराज कंस से जवाब दिया कि हे राजन, इसमें चिंता करने की क्या बात है, तुम्हारे काल को तो बहुत आसानी से मार सकते हो। कंस कहने लगा, कैसे? बाबा नारद कहने लगे, सुनो तुम एक पत्र लिखो और जो काली देवी कालियानांद रहता है वहां पे कमल के पुष्प खिलते हैं, और तुम्हें पता है कालियानांद की वजह से यमुना नदी का पानी कितना जहरीला हो गया है, जो उसे छू भी लेता है उसका प्राणांत तो हो जाता है, तो तुम मेरा कहा मानो, तो पत्र लिखो और बाबा नंद के आंगन में भेज दो कि मुझे कमल के पुष्प चाहिए। महाराज कंस बड़े प्रसन्न हो गए, विलंब नहीं किया, पत्र को लिखा है और बाबा नंद के आंगन में भेज दिया। जब बाबा नंद के आंगन में भेज दिया, बाबा नंद जब उस फरमान, उस पत्र को, उस खत को, उस चिट्ठी को पढ़ा है तो सर पकड़ करके बैठ गई मैया यशोदा, विलख रही है, विचार करने लगी है, न जाने महाराज कंस क्या करने वाले हैं, कौन सी लीला रचने वाले हैं, मेरे लाल को मारने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन पता नहीं महाराज कंस के दिमाग में बुद्धि में क्या चल रहा है। इधर में उस पत्र को पढ़ रहे
कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में खेल करके मैया यशोदा के पास में पहुंचे। जब मैया यशोदा के पास में पहुंचे देखा है उल्लास है मैया, तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया हमें बहुत तेजी से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। जवाब दिया मैया तुम्हें तो पता है माखन रोटी के सिवा कुछ खाते ही नहीं। भगवान कन्हैया बोले हैं मैया जब भगवान से आपने माखन रोटी मांगा है मैया से, तो मैया बोली है क्या कि माता बोली खा ले बेटा अंतिम दिन माखन माखन रोटी मिलेगा या नहीं, पता नहीं कहां तेरी मैया होगी, कहां तेरे बाबा होंगे, कुछ पता
मांगने ये है लाला। मैया यशोदा रो रही है, विलख रही है, भगवान श्याम ने जब ही मैया यशोदा के आंखों में आंसू देखे, जवाब दिया, मैया क्यों रो रही हो? हाँ, क्या बात है, मुझे उस बात को बताओ जिसके कारण तुम रो रही हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया शायद तुम्हें हमारे बल का अंदाजा नहीं है, किसने मेरी मैया को धमकाया है कि मुझे माखन रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, कौन कहता है? भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और क्रोध में बोले है क्या कि माता माता क्या कहती है, मिश्री माखन क्यों छूटेगा, क्या घटना घटने वाली है जिससे ये नाना Thank you.